हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटेड मास्टर कंट्रोल CMC, द मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट डिमांडेड वीडियो था। आप लोगों की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर CMC पे वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि टर्बाइन फॉलो मोड क्या होता है, बॉयलर फॉलो मोड क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल मोड क्या होता है। एंड आप CMC पेज में देखते होंगे कि आपका इंक्रीज ब्लॉक, डिक्रीज ब्लॉक, रन अप, रन डाउन एंड रन बैक, ये सारा टर्म्स रहता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये कब एक्ट होता है, सारा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेगा, ये एज ए ऑपरेशन इंजीनियर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। ये आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटेड मास्टर कंट्रोल CMC। फ्रेंड्स, ए थर्मल पावर प्लांट विच हैज ए बॉयलर एंड ए टर्बाइन जनरेटर सेट, मीन्स टर्बो जनरेटर सेट एज इट्स मेन कंपोनेंट। देखिए, थर्मल पावर प्लांट में जो मेन कंपोनेंट अगर आप देखिएगा तो आपका क्या रहता है, बॉयलर रहता है एंड एक टर्बो जनरेटर सेट रहता है। टर्बाइन एंड जनरेटर का आपका एक सेट रहता है। तो उस पूरा थर्मल पावर प्लांट को जो कंट्रोल्ड करता है, ऑटोमेटिक प्लांट कंट्रोल सिस्टम, द थर्मल पावर प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय द ऑटोमेटिक प्लांट कंट्रोल सिस्टम एंड ऑटोमेटिक बॉयलर कंट्रोल ABC इज द मेन पार्ट ऑफ दिस ऑटोमेटिक प्लांट कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमेटिक बॉयलर कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो ऑटोमेटिक प्लांट कंट्रोल सिस्टम का मेन पार्ट्स होता है, मेन कंपोनेंट्स होता है। तो ऑटोमेटिक बॉयलर कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या आता है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका फीड वाटर कंट्रोल लूप होता है, फायरिंग रेट कंट्रोल लूप होता है, एयर फ्लो कंट्रोल लूप होता है, फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल लूप होता है, PA हेडर प्रेशर कंट्रोल लूप होता है, मील आउटलेट टेम्परेचर कंट्रोल लूप होता है, सुपर हीटर अटेम्परेशन के लिए जो हम लोग देते हैं सुपर हीटर टेम्परेचर कंट्रोल लूप होता है एंड रीहीट टेम्परेचर कंट्रोल लूप होता है। इतना सारा कंट्रोल लूप है किसके अंदर है, ऑटोमेटिक बॉयलर कंट्रोल सिस्टम के अंदर है। और ये सारा कंट्रोल लूप क्या करता है, ये सारा कंट्रोल लूप मॉनिटर करता है एंड कंट्रोल द बॉयलर ऑपरेशन, बॉयलर ऑपरेशन को मॉनिटर करता है एंड कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है बॉयलर को, टू रेगुलेट द इनपुट टू द टर्बाइन, जो टर्बो जनरेटर का जो इनपुट है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए बॉयलर के ऑपरेशन को हम लोग मॉनिटर एंड कंट्रोल करते हैं। और आपका क्या है, क्योंकि बॉयलर का जो आउटपुट क्या निकलता है, बॉयलर का आउटपुट आपका मेन स्टीम निकलता है। आप कोल का बर्निंग करके अल्टीमेट आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेन स्टीम, आप स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो टर्बाइन के इनलेट में मेन स्टीम प्रेशर कितना होना चाहिए, मेन स्टीम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसको हमको रेगुलेट करना है और इसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग बॉयलर को कंट्रोल करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक बॉयलर कंट्रोल लूप के जरिए हम लोग बॉयलर के ऑपरेशन को रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। ए थर्मल पावर प्लांट विथ ऑटोमेटिक बॉयलर कंट्रोल सिस्टम, ए थर्मल पावर प्लांट विथ ऑटोमेटिक बॉयलर कंट्रोल सिस्टम हैज ए बॉयलर टर्बाइन कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल सिस्टम व्हिच साइमल्टेनियसली, साथ साथ क्या करता है, साइमल्टेनियसली कंट्रोल द टर्बाइन गवर्नर अकॉर्डिंग टू द लोड इंडिसेस सो एज टू चेंज द मेन स्टीम फ्लो इनटू द टर्बाइन डिपेंडिंग ऑन द लोड सेट पॉइंट। देखिए, थर्मल पावर प्लांट में जिसमें आपका ऑटोमेटिक बॉयलर कंट्रोल सिस्टम है उसमें आपका एक कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल सिस्टम रहता है, बॉयलर और टर्बाइन का एक कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल सिस्टम रहता है जिसमें कि आपका साथ साथ कंट्रोल द टर्बाइन गवर्नर, टर्बाइन गवर्निंग सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, ताकि अगर आप लोड को इंक्रीज कर रहे हैं तो उस लोड के हिसाब से आपको कितना मेन स्टीम फ्लो चाहिए उसको भी आपको ये कंट्रोल करता है। According to the load indices, so as to change the main steam flow into the turbine. Turbine के अंदर जो main steam flow को जो change करता है वो depending on the load set. इस diagram के through मैं आपको समझाने का ये कोशिश करता हूँ कि throttle pressure क्या होता है
और थ्रॉटल प्रेशर को हम लोग मेंटेन क्यों करते हैं, कंट्रोल क्यों करते हैं, और थ्रॉटल प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है। तो फर्स्ट देखते हैं कि आपका ये बॉयलर मास्टर है और एक आपका ये टर्बाइन मास्टर है। बॉयलर मास्टर बेसिकली आपको प्रेशर को रिड्यूस करना है या प्रेशर को इंक्रीज करना है, वो बेसिकली आपका एयर मास्टर एंड फ्यूल मास्टर के थ्रू ही करता है। ठीक है, अगर आपको प्रेशर को इंक्रीज करना है तो एयर फ्लो बढ़ा के फ्यूल फ्लो बढ़ा के प्रेशर को इंक्रीज करेगा। अगर प्रेशर को डिक्रीज करना है तो एयर फ्लो को रिड्यूस करके फ्यूल फ्लो को रिड्यूस करके प्रेशर को रिड्यूस करता है। एक्चुअली क्या है कि आपका फ्यूल फ्लो जैसे ही रिड्यूस करेगा तो थर्मल एनर्जी आफ्टर द बर्निंग ऑफ द कोल वो कम हो जाएगा। तो कम होने से क्या होता है, प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाता है, जो आपका एमएस प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। और एक आपका टर्बाइन मास्टर है, टर्बाइन मास्टर बेसिकली जो काम करता है वो आपका जो प्रेशर सेट पॉइंट आपने कितना रखा है और एक्चुअल प्रेशर कितना है उसके डिफरेंस पे, उसके डेविएशन पे, जो एमएस प्रेशर डेविएशन पे बेसिकली आपका टर्बाइन मास्टर काम करता है कि आपका टर्बाइन में आपने कितना सेट पॉइंट डाला है और एक्चुअल प्रेशर आपका कितना है उसके हिसाब से वो कंट्रोल वाल्व को ओपन और क्लोज करता है। तो थ्रॉटल प्रेशर बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, कि एट द प्रेशर एट द इनलेट ऑफ द एचपी टर्बाइन, जैसे एचपी टर्बाइन के इनलेट में जो आपका प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड द थ्रॉटल प्रेशर। और ये जो प्रेशर है यहां पे आपको दिख रहा है ये आपका बॉयलर का आउटलेट प्रेशर होता है। ठीक है, तो थ्रॉटल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोग बॉयलर आउटलेट प्रेशर को उससे लिटिल बिट हायर रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बॉयलर का जो आउटलेट होता है वो आपका मेन स्ट्रीम लाइन से होता हुआ आपका एचपी स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व को क्रॉस करता हुआ टर्बाइन के पास पहुंचता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ड्यू टू द लेंथ ऑफ द पाइप, ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ द पाइप, आपका कुछ प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो जितना आपको प्रेशर मेंटेन करना है एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग बॉयलर आउटलेट प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो द थ्रॉटल प्रेशर इज द मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर व्हिच हैज टू बी कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर। तो थ्रॉटल प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको बॉयलर को कंट्रोल करना पड़ेगा और एचपी कंट्रोल वाल्व के पोजीशन से भी आप थ्रॉटल प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो द थ्रॉटल प्रेशर कैन बी कंट्रोल्ड आइदर बाय द फायरिंग रेट इन द बॉयलर और स्टीम सप्लाई टू द टर्बाइन। कैसे? फायरिंग रेट से आप थ्रॉटल प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, अगर आप फायरिंग रेट बढ़ा रहे हैं, बॉयलर का फायरिंग रेट अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब फायरिंग रेट इंक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है कि मोर फ्यूल एंड मोर एयर टू बी सप्लाइड इन द बॉयलर। तो मोर कंबशन होगा, जितना ज़्यादा कंबशन होगा उतना आपका थर्मल एनर्जी रिलीज होगा, उससे आपका स्टीम प्रेशर बढ़ेगा एंड स्टीम प्रेशर इज एकॉम्पेनीड विथ द राइज इन स्टीम टेम्परेचर। मीन्स आपका अगर स्टीम प्रेशर बढ़ रहा है तो स्टीम टेम्परेचर उसके साथ साथ बढ़ता है। तो उससे जैसे ही आपका बॉयलर का आउटलेट प्रेशर बढ़ेगा तो आपका थ्रॉटल प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर आप फायरिंग रेट को डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब आपका लेस फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं, लेस एयर सप्लाई कर रहे हैं, तो लेस कंबशन हुआ, थर्मल एनर्जी आपका लेस लिब्रेट होता है, रिलीज हुआ, उसके कारण से आपका स्टीम प्रेशर घटता है। तो अगर हम लोग बोले कि अगर फायरिंग रेट इंक्रीज करेंगे तो स्टीम प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और अगर फायरिंग रेट हम लोग डिक्रीज करेंगे तो स्टीम प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो फायरिंग रेट से आप थ्रॉटल प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड है कि टर्बाइन स्टीम सप्लाई, स्टीम फ्लो जो होता है तो उससे भी आप स्टीम प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, स्टीम प्रेशर ऑल्सो वेरीज विद द डिमांड ऑफ स्टीम फ्लो टू द टर्बाइन। अगर आप टर्बाइन के अंदर स्टीम फ्लो को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब आप इंक्रीज कैसे कीजिएगा, बाय द ओपनिंग ऑफ एचपी कंट्रोल वाल्व। अगर कंट्रोल वाल्व के ओपनिंग को इंक्रीज कीजिएगा तभी तो स्टीम फ्लो सप्लाई टू द टर्बाइन बढ़ेगा, और जैसे आप कंट्रोल वाल्व को ओपनिंग इंक्रीज कीजिएगा तो थ्रॉटल प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा।
जैसे मान लो आपका ये जितना ओपन कीजिएगा तो इस साइड का प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज ही करेगा। इस साइड का प्रेशर भले बढ़ेगा बट इस साइड का प्रेशर तो आपको डिक्रीज करेगा। और जैसे अगर कंट्रोल वाल्व को आप क्लोज कीजिएगा तो इस साइड का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ओपनिंग ऑफ अगर आप स्टीम फ्लो इंक्रीज कीजिएगा तो स्टीम प्रेशर डिक्रीज करेगा, अगर आप स्टीम फ्लो को डिक्रीज कीजिएगा तो स्टीम प्रेशर इंक्रीज करता है। तो जैसे ही मान लीजिए कि आपने स्टीम फ्लो को इंक्रीज किया, कंट्रोल वाल्व को ओपनिंग इंक्रीज करके स्टीम फ्लो सप्लाई को आपने इंक्रीज किया टर्बाइन में, तो आपका जो इधर थ्रॉटल प्रेशर था वो डिक्रीज करता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए बॉयलर में फायरिंग रेट इंक्रीज होता है, आपका मोर एयर मोर फ्यूल सप्लाई टू द बॉयलर, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिर प्रेशर बढ़ा के मेंटेन कर देता है, जितना आपका कांस्टेंट सेट पॉइंट था उतना आपको लेके आ जाता है। फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं टर्बाइन फॉलो मोड क्या होता है। टर्बाइन फॉलो मोड का मतलब क्या होता है, टर्बाइन फॉलो टू द बॉयलर। देखिए टर्बाइन फॉलो मोड में टर्बाइन फॉलो करता है बॉयलर को, बॉयलर में कुछ भी होगा उसको रिस्पॉन्स करेगा टर्बाइन। तो टर्बाइन फॉलो मोड में क्या होता है, टर्बाइन फॉलो द बॉयलर। टर्बाइन रेगुलेट द मेन स्टीम प्रेशर, इसमें जो टर्बाइन जो होता है वह मेन स्टीम प्रेशर को रेगुलेट करता है, जबकि बॉयलर रेगुलेट द यूनिट आउटपुट पावर। जब आप कोई भी लोड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो फर्स्ट जो रिस्पॉन्स जाता है वो बॉयलर के पास जाता है। सपोज कीजिए कि आपका पावर प्लांट टर्बाइन फॉलो मोड में चल रहा है और आपने मेगावाट को इंक्रीज किया, तो फर्स्ट जो रिस्पॉन्स जाएगा वो किसके पास जाएगा, वो बॉयलर के पास जाएगा, क्योंकि बॉयलर रेगुलेट द यूनिट आउटपुट पावर। और बॉयलर में उसके बाद क्या करेगा, बॉयलर में आपका फायरिंग बढ़ाएगा, मोर फ्यूल मोर एयर को इंडक्स करेगा फर्नेस के अंदर, उससे उसका क्या होगा, थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगा, स्टीम प्रेशर बढ़ेगा, स्टीम प्रेशर बढ़ने से आपका क्या होगा, ड्रम का लेवल डिक्रीज करेगा, आपका बॉयलर फीड पंप उसको प्रेशराइज करके ड्रम लेवल को मेंटेन करेगा। तो इस पूरा सर्कमस्टांसिस में क्या होगा कि आपका अल्टीमेट बॉयलर का जो आउटलेट प्रेशर होता है वो आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि थर्मल एनर्जी जितना ज़्यादा आपका बर्निंग होगा थर्मल एनर्जी उतना रिलीज होगा, और जितना ज़्यादा थर्मल एनर्जी रिलीज होगा उतना आपका क्या होगा जो है मेन स्टीम प्रेशर इंक्रीज होगा। और मेन स्टीम प्रेशर जैसे ही इंक्रीज हुआ तो अब उसके बाद मेन स्टीम प्रेशर को कौन रेगुलेट कर रहा है, टर्बाइन। बॉयलर का काम क्या था कि मेगावाट इंक्रीज के कमांड को रिस्पॉन्स करते हुए बॉयलर मास्टर जो था वो आपका क्या करता है, बॉयलर मास्टर कि फीड वाटर फ्लो कंट्रोल करता है, एयर फ्लो कंट्रोल करता है एंड फायरिंग रेट को कंट्रोल करता है। इस सब चीज़ को कंट्रोल करके आपका एमएस प्रेशर को बढ़ा दिया। अब क्या होता है कि टर्बाइन का जो मेन कंट्रोल वाल्व है उसके पास एक सिग्नल जाता है कॉन्स्टेंट मेंटेन द कॉन्स्टेंट प्रेशर। एक इनिशियल प्रेशर कंट्रोल मोड है, उस प्रेशर को एक कॉन्स्टेंट रखना है। लेकिन आपका बॉयलर क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया, तो अब उसके रिस्पॉन्स को फॉलो करेगा टर्बाइन, क्या करेगा, टर्बाइन कंट्रोल वाल्व को ओपन कर देगा। जैसे टर्बाइन के कंट्रोल वाल्व को ओपन किया, मोर स्टीम फ्लो टू द टर्बाइन एंड मेगावाट आपका जनरेट हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, तो टर्बाइन रेगुलेट द मेन स्टीम प्रेशर व्हाइल द बॉयलर रेगुलेट द यूनिट आउटपुट पावर। The turbine control is in automatic. इसमें क्या होता है कि टर्बाइन फॉलो मोड में आपका जो टर्बाइन कंट्रोलर जो होता है मास्टर वो आपका ऑटोमेटिक मोड में रहता है, जबकि बॉयलर कंट्रोल जो होता है वह मैनुअल मोड में रहता है। बॉयलर मास्टर जो रहता है वो आपका मैनुअल मोड में रहता है, जबकि टर्बाइन कंट्रोल क्या होता है आपका ऑटोमेटिक मोड में रहता है। The turbine master control the throttle pressure. कैसे कंट्रोल करेगा, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि द टर्बाइन मास्टर कंट्रोल द थ्रॉटल प्रेशर बाय मॉड्यूलेटिंग द टर्बाइन गवर्नर वाल्व्स। क्योंकि जैसे ही बॉयलर का आउटलेट प्रेशर बढ़ा, थ्रॉटल प्रेशर बढ़ना शुरू करेगा, तो वहां पे एक एरर सिग्नल आता है एमएस प्रेशर डेविएशन का कि आपका सेट पॉइंट माइनस एक्चुअल प्रेशर। अगर एक्चुअल प्रेशर ज्यादा बढ़ गया तो कंट्रोल वाल्व को क्या करेगा, ओपन करके जो थ्रॉटल प्रेशर को मेंटेन करना चाहेगा
और जैसे ही कंट्रोल वाल्व ओपन हुआ, मोर स्टीम फ्लो टू द टरबाइन, मेगावाट इंक्रीज करेगा। तो इस प्रकार से क्या देखें कि टरबाइन फॉलो किसको कर रहा है, बॉयलर को फॉलो कर रहा है। फ्रेंड्स, टरबाइन फॉलो मोड को और डिटेल से समझने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम बनाया है, और इस डायग्राम के साथ हम लोग समझते हैं कि टरबाइन फॉलो मोड क्या होता है। देखिए, ये आपका बॉयलर है, बॉयलर को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, बॉयलर मास्टर होता है। टरबाइन को कंट्रोल करने के लिए आपका टरबाइन मास्टर होता है, ठीक है। तो टरबाइन फॉलो मोड में क्या होता है कि टरबाइन के अंदर जो आपका टरबाइन जो मास्टर है, इसमें हम लोग एक P0 जो आपका रिफरेंस प्रेशर हम लोग सेट डाल देते हैं। ये इनिशियल प्रेशर मोड पे काम करता है, हम लोग एक रिफरेंस प्रेशर यहाँ पे डाल देते हैं, और P जो दिखा रहा है ये आपका एक्चुअल प्रेशर होता है। इसी दोनों प्रेशर के डेविएशन पे आपका टरबाइन मास्टर काम करता है। टरबाइन फॉलो मोड में क्या होता है, जैसा मैंने आपको फ्रेंड बताया कि मेन स्टीम प्रेशर इज रेगुलेटेड बाय द टरबाइन मास्टर एंड द यूनिट पावर आउटपुट इज रेगुलेटेड बाय द बॉयलर मास्टर, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि आपका ये क्या है कि टरबाइन है, ये आपका जनरेटर है। सपोज कीजिए कि आपका 400 मेगावाट पे यूनिट चल रहा है, सपोज कीजिए 400 मेगावाट पे आपका यूनिट रनिंग कर रहा है। आपको लोड को क्या करना है, इंक्रीज करना है। आपने 420 मेगावाट सेट पॉइंट डाल दिया, जिसे ई जो रहा है लोड सेट पॉइंट, और ई क्या है एक्चुअल लोड। एक्चुअल लोड आपका कितना था, 400 मेगावाट, आपने सेट पॉइंट पे डाल दिया 420 मेगावाट। तो इस दोनों से जो एरर सिग्नल जनरेट हुआ वो आपका डायरेक्टली कहाँ पे जा रहा है, बॉयलर मास्टर के पास। टरबाइन में अभी कुछ नहीं हो रहा है, आपका डायरेक्ट बॉयलर मास्टर के पास आएगा, ठीक है। बॉयलर मास्टर देख रहा है क्या कि आपको लोड को इंक्रीज करना है, तो लोड को इंक्रीज करने के लिए आपको प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो वो अपना इसका तीन कंट्रोल लूप, जब मेन ऐसे तो बहुत सारा कंट्रोल लूप है, मेनली आपका तीन कंट्रोल लूप है, आपका फीड वाटर फ्लो कंट्रोल लूप, एयर फ्लो मास्टर कंट्रोल लूप एंड फ्यूल मास्टर। आपका क्या करेगा, मोर फ्यूल, फ्यूल रेट को आपको इंक्रीज कर देगा, एयर फ्लो को आपको बढ़ा देगा। तो बॉयलर में क्या करेगा, फायरिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। जैसे ही फायरिंग रेट को इंक्रीज किया, आपका जो बॉयलर का आउटलेट प्रेशर यहाँ पे है, बॉयलर का आउटलेट प्रेशर ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स आपका पी जो एक्चुअल प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बॉयलर का काम खत्म, बॉयलर उसके करस्पॉन्डिंग आपका फायरिंग रेट बढ़ा के बॉयलर प्रेशर को बढ़ा दिया। अब टरबाइन क्या करेगा, बॉयलर को फॉलो करेगा। टरबाइन का, टरबाइन मास्टर का मेन काम क्या है, टू मेंटेन द थ्रॉटल प्रेशर। तो थ्रॉटल प्रेशर को मेंटेन कैसे करेगा, बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द टरबाइन गवर्नर वाल्व। टरबाइन गवर्नर वाल्व आपका ये है, इसको ओपन और क्लोज करके सॉरी थ्रॉटल प्रेशर को मेंटेन करना चाहेगा। और थ्रॉटल प्रेशर आपका क्या है, P0। अभी आपका P बढ़ गया तो क्या होता है कि यहाँ से एरर सिग्नल एक जनरेट होकर अब टरबाइन मास्टर में जाता है, और वहाँ से आपका TD निकलता है, टरबाइन डिमांड, सॉरी फ्रेंड। और ये टरबाइन डिमांड आके क्या करता है, इस कंट्रोल वाल्व के पोजीशन को ओपन कर देगा। और जैसे ही ओपन करेगा, आपका मोर स्टीम फ्लो टू द टरबाइन और आपका लोड यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका टरबाइन फॉलो मोड काम करता है। आपका इसमें लोड बढ़ने में, इस मोड में आपका लोड बढ़ने में थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, क्योंकि पहला रिस्पॉन्स आपका बॉयलर के पास जाएगा, बॉयलर पहले रिस्पॉन्ड करेगा, उसके बाद इसका रिजल्ट आपको टरबाइन मास्टर में दिखेगा, फिर टरबाइन आपका क्या करेगा, कंट्रोल वाल्व को ओपन करेगा, फिर स्टीम फ्लो को, मेन स्टीम फ्लो था उसको इंक्रीज करके लोड को इंक्रीज करेगा। तो इस प्रकार से आपका टरबाइन फॉलो मोड वर्क करता है। टरबाइन फॉलो मोड इसको कहते क्यों है, क्योंकि ये बॉयलर को फॉलो कर रहा है। बॉयलर क्या किया, मेन स्टीम प्रेशर जैसे ही बढ़ा, कंट्रोल वाल्व को ओपन किया, कंट्रोल वाल्व ओपन करके रिफरेंस प्रेशर को कांस्टेंट किया। तो इसलिए इसको हम लोग टरबाइन फॉलो मोड कहते हैं। देखिए, इसमें आपका क्या करता है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है इसका, टू मेंटेन द थ्रॉटल प्रेशर एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। ये लोड को कुछ नहीं देखेगा,
ये लोड का इस मोड में क्या होता है, लोड का सेक्रीफाइस होता है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेन द कॉन्स्टेंट प्रेशर, लोड को घटा के बढ़ा के कंट्रोल वाल्व को ओपन क्लोज करके मेन ऑब्जेक्टिव है थ्रॉटल प्रेशर को कॉन्स्टेंट करना। तो फ्रेंड्स टर्बाइन फॉलो मोड में क्या होता है कि बॉयलर एंड इट्स एग्जुलरी मेंटेन इट्स पैरामीटर टू मेंटेन द सेट पॉइंट गिवन टू द टर्बाइन। तो टर्बाइन का सेट पॉइंट क्या है, ये आपका थ्रॉटल प्रेशर। तो इस थ्रॉटल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपको बॉयलर और उसका जो एग्जुलरी होता है वो अपना जो होता है पैरामीटर को परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है ताकि आपका ये P0 मेंटेन रहे। तो इसका जो आपका जो मेन प्रॉब्लम ये होता है आपका लोड आपका मेंटेन नहीं रहता है, लोड का इसमें सेक्रीफाइस होता है, बाकी आपका सेफ साइड ऑफ ऑपरेशन होता है इसमें। अगर आपका यूनिट सपोज कीजिए आपका CMC मोड में चल रहा है और अचानक किसी कारण से क्रिटिकल आ जाता है तो फटाक से हम लोग बॉयलर मास्टर को इसमें मैनुअल निकाल लेते हैं, क्योंकि टर्बाइन फॉलो मोड में क्या होता है आपका बॉयलर मास्टर मैनुअल रहता है, मैनुअल में निकाले तो ऑटोमेटिक टर्बाइन आपका फॉलो मोड में आ जाता है और आपका यूनिट सेफ बच जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टर्बाइन फॉलो मोड।